आप मैनेजर के तौर पे गए हैं तो आपके भी कुछ हुकूक उनके जिम्मे, कुछ उनके हुकूक आपके जिम्मे होंगे। अगर सर्टिफिकेशन पार्टी कहाँ में किसी भी फर्द या फरीक इदारे हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म का दबाव आपके ऊपर दबाव डालकर आपसे न करना है। तमाम जरूरी वसायल और सहूलियात के रिश्ते, जरूरी वसायल और सहूलियात का मतलब ये होता है कि आपको आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, ऐसा ना कि आप जाए ऑडिट के लिए और वो जगह नहीं बता रहे फैक्ट्री कहाँ पर है, फैक्ट्री कहाँ है, आप घूम घूम के वो देर से दाखिल से पहुँचे। उनका असल में उनका मकसद ये भी होता है साहूकार कि ये ऑडिटर जो है ना कुछ देर करे ताकि क्लोजिंग वाला वक्त मुतयन होता है कि इतने बजे क्लोजिंग हो, ओपनिंग में अगर आप ताखिर से आएंगे तो आपका कसूर होगा देर से आए, तो वो कहेंगे कि आप तो पौना घंटा देर से आए थे तो लिहाजा उतना ही ऑडिट मुख्तसर होगा, तो मुख्तसर हो जाएगा तो जिन जिस चीज़ को आपने अच्छी तरह देखना था उसको आप अच्छी तरह से नहीं देख सकेंगे, तो इस वजह से वो कुछ कोशिश करते हैं कि देर से आप पहुँचे। अगर आप वक्त पर पहुँच गए तो फिर वो ये करेंगे कि हमारा जी एम साहब जो है ना अभी कुछ लेट है वो आ जाए तो फिर मीटिंग करते हैं, अभी आप चाय भी नहीं, अभी बिस्कुट आ जाए, अभी ये थोड़ी देर बैठे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं आपका वक्त ज़ाया करने को। तो वक्त ज़ाया करने को ये इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वक्त कम हो जाए, बात जब हम साइट आड़े पे जाएंगे उस वक्त वक्त थोड़ा होगा तो जल्दी से निपटा के आप डॉक्टर वापस आ जाए, तो ये काम नहीं होने देना चाहिए। तो आपको तमाम सहूलियात और ज़रूरी वसायल और सहूलियात की दस्तियाबी होनी चाहिए, आपके साथ एक आदमी हो और वो जाए जगह को पूरा का मुआयना कराए कि फला जगह ये फला जगह है ये फला जगह है, और आपको किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत पड़ जाए कि ये चीज़ मुझे दिखाओ तो आपको वो उठा कर दिखा सके, ये चीज़ें वहाँ माकुल तनख्वाह, माकुल तनख्वाह अगर आपके लिए होंगे तो आप वहाँ जाके डंडी मारेंगे और हो सकता है उससे उनसे साथ बात करके मुझे रिश्वत के शिकल तौर पर कुछ माल को दौड़ना शुरू कर दें, इसलिए तनख्वाह माकुल ऑडिटर को ये और दीगर तमाम हुकूक मिलने चाहिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी इत्मीनान से और काम के तकाजों के मुताबिक सारा अंजाम दे सके। नतीजा क्या निकला इसका? एक माहिर पेशा वाराना तर्ज अमल इख्तियार करने वाला और दयानतदार हलाल ऑडिटर वो क्या करेगा, हलाल सर्टिफिकेशन के पूरे निज़ाम के लिए रीढ़ की हड्डी की मानते हैं, क्योंकि असल तो हलाल ऑडिट है ये, बाकी चीज़ें सफाई सुथराई इधर उधर वो तो जिन्नत देखी जाती है वो भी हिस्सा है हलाल का, लेकिन असल तो आपकी शरी जिम्मेदारी पूरी होती है उसके साथ। इन्होंने क्योंकि हमारे हलाल जो स्टैंडर्ड है इसके साथ उन्होंने आईएसओ की चीज़ें भी डाल दी हैं, यानी फूड सेफ्टी की डाल दी है, मैनेजमेंट भी डाल दी है, बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, वो अगर चाहे आईएसओ स्टैंडर्ड्स के अंदर होती हैं लेकिन वो भी साथ इसके मिला दी है, लेकिन असल जो इसमें हिस्सा है जैसे मतलब आप अगर मलाइशा का हलाल स्टैंडर्ड देखेंगे उसके अंदर सिर्फ शरी बातें लिखी हुई जो शरीर के मुताबिक बातें हैं वो वहाँ लिखे की हैं, जो सफाई सुथराई के मुताबिक है या मैनेजमेंट के मुताबिक है डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक है वो वहाँ बयान ही नहीं हुई, वो अलग सिलेंडर रह जाए तो उसको वहाँ जाके देखें मतलब उसके मुताबिक। तो आपको रीढ़ की हड्डी है आपकी वजह से ये पूरा हलाल का काम चल रहा है, इसी वजह से आप है, बाकी चीज़ें सिमिलर होंगी। हलाल इंडस्ट्री की तरक्की का जरिया है, जरिया जाहिर है, आप अगर अच्छा काम करेंगे और लोगों में अच्छी शोहरत हो जाएगी कि हलाल खाना जो है वो अच्छा होता है तो तरक्की करेगा और उम्मत मुस्लिमा का खादिम है तो खादिम तो बहुत हो जाता है, अगर ये पैसे लेके खिदमत करता है लेकिन खादिम तो खादिम होता है, तनख्वाह देता है लेकिन होता खादिम खादिम ही है, तो ये इसके नतीजा निकला है कि ऐसा मेरे साथ में कहेंगे कि ये हलाल खाना है।